फंसने से लेकर के मुकदमे और फैसले सब पे कर रहा था। देवगौड़ा के दौर में जो उनको फंसाने की साजिश हुई वो एक राजनीतिक साजिश थी, और छुड़ाने की बात मैं कर रहा था। अदालतों ने भी उन्हें कम परेशान नहीं किया है, इसमें दो राय नहीं। कप्पन का उदाहरण ले लीजिए, कप्पन भी जेल में है ना, क्या हालत है उसकी। आशीष मिश्रा वाला मामला उठा के देख लीजिए, क्या था अदालतों की भूमिका, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी टिप्पणी की थी। अनिल जी, मैं चाहूंगा ये जो पूरी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की, ये कुछ उम्मीद तो जगा रही है। नहीं, वो उम्मीद तो जगा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसका असर कितना है वो देखना चाहिए। योगी सरकार के खिलाफ इस तरह की कई टिप्पणियां, क्या उन्होंने तो जो प्रॉपर्टी ये वाला मामला था उसको पूरा पलट दिया। उसके बाद उन्होंने जो मुकदमे वापस किए उसके मामले में भी जो है अपने ही लोगों को मुकदमे वापस दिए, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन ये सब का असर कुछ हो नहीं रहा। दिक्कत यह है कि इंस्टीट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही, मतलब अभी ये चीफ जस्टिस साहब को ऐसा लग रहा है, लेकिन पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के ये किए, जिस व्यवहार किए और जिस तरह से आंखें मूंद लिया, जो उससे उसका नतीजा ये निकला कि इन पर कोई असर नहीं होता ना, ये एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि राजनीतिक, असल में राजनीतिक चीज है तो इसको राजनीतिक रूप से देखना चाहिए। आपने सही वो लालू यादव का उदाहरण दिया, मुझको क्या लग रहा है कि ये लालू यादव की तरह जो है टिके रहना ये के खिलाफ जो है मतलब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी जो जो भी उनकी राजनीति रही उस पर टिके रहे, ये कोई मामूली चीज नहीं है। सरकारें आई गई लेकिन कोई उसको ब्लैकमेल नहीं कर पाया लालू यादव को कि मुकदमा हटा लेंगे या मुझे जेल में डाल देंगे, इससे मुझे वो अपनी जो सेकुलर पॉलिटिक्स थी उसको उन्होंने डायल्यूट नहीं किया कभी। बाकी उनके बारे में या उनकी राजनीति के बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं और उनके खिलाफ जाती हैं, वो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर क्या है अभी कि मुझको मेरा जैसा अंदाजा है कि वो उनका उनको अब जो है उत्तर प्रदेश सरकार उस तरह से तंग नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने जो संकेत दिए हैं आजम खान ने वो संकेत है, उससे मुझको लगता है क्या कि थोड़ा समझौता हो जाने की उम्मीद है। और क्योंकि अखिलेश यादव के खिलाफ और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो संकेत दे रहे हैं लगातार उनके लोग या वो अपने खुद ही वो, और उसके उससे अखिलेश यादव हालांकि उनको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, कई लोगों को भेजा, जयंत चौधरी भी मिले उनसे जाकर के, सब लोग उनको कम उनके घर वालों से, लेकिन मुझको लग रहा है कि यही आगे ये जो अभी आएगा तो उनको बेल भी मिल जाएगा और उतना कड़क मामला नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार से, ऐसा मेरा अंदाजा है। क्योंकि तो लालू यादव की तरह टिके रहना हर एक पॉलिटिशियन या लो ये क्या कहते हैं किसी राजनीतिक दल के लिए मुमकिन नहीं है, तो मतलब संभव मुझको नहीं दिखता। तो मुझको लग रहा है क्या कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके बारे में पॉजिटिव रवैया लिया है उसका नतीजा आजम खान के पक्ष में ही जाएगा और आजम खान उस तरह प्रताड़ित हो पाएंगे, मुझको ये डाउट।